नमस्कार, मैं शिवानी। नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसके मद्देनजर सरकार ने 24 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में विपक्ष को सरकार के विधायी एजेंडे की जानकारी दी जाएगी और संसद में चर्चा के लिए मुद्दों पर विचार किया जाएगा। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों जैसे गुलमर्ग, गुरेज घाटी और सोनमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिससे पर्यटन स्थलों पर दृश्य मनमोहक हो गए हैं। मौसम में सुधार की उम्मीद है, लेकिन प्रशासन ने बर्फबारी वाले मार्गों पर फिसलन और हिमस्खलन की चेतावनी दी है। साथ ही बांदीपोरा गुरेज मार्ग अस्थायी रूप से बंद है। सोमवार को दिल्ली NCR में प्रदूषण के चलते धुंध की मोटी चादर छाई रही, जिससे विजिबिलिटी शून्य रही। बीजेपी ने आप सरकार पर आरोप लगाया कि जबकि IGI एयरपोर्ट पर फ्लाइट डाइवर्ट हुई और ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा। द्वारका और नजफगढ़ में AQI 500 रिकॉर्ड हुआ। अमेरिकी न्याय विभाग गूगल से अपने क्रोम ब्राउजर को बेचने के लिए अदालत से आग्रह करने की योजना बना रहा है। गूगल पर आरोप है कि उसने सर्च मार्केट में अवैध एकाधिकार बनाया है। DOJ गूगल से कुछ बदलाव करने की मांग कर सकता है, जिसमें एंड्रॉयड और सर्च को अलग करना शामिल है। ब्रिटेन में भगोड़े विजय माल्या और नीरव मोदी पर जल्द कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि पीएम मोदी ने ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर से इस मुद्दे को उठाया है। दोनों नेताओं ने आर्थिक, व्यापारिक और सामरिक साझेदारी के मुद्दों पर भी चर्चा की है। नीरव मोदी पर मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी का आरोप है, जबकि विजय माल्या पर किंगफिशर मामले में विलफुल डिफॉल्टर होने का आरोप है। इंस्टाग्राम आज वैश्विक स्तर पर डाउन हो गया है, जिससे उपयोगकर्ताओं को लॉगिन, सर्वर कनेक्शन और ऐप समस्याओं का सामना करना पड़ा। डाउन डिटेक्टर के अनुसार 709 रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें अधिकांश समस्याएं लॉगिन और सर्वर कनेक्शन से जुड़ी हुई थी। यह 7 दिनों में दूसरा बड़ा आउटेज है। महाराष्ट्र चुनाव से एक दिन पहले बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगा है। बहुजन विकास अघाड़ी कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि तावड़े 5 करोड़ रुपए बांटने आए थे। तावड़े ने आरोपों को झूठा बताया और CCTV फुटेज जांचने की मांग की। भारत में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत स्टेज उत्सर्जन मानक लागू किए गए थे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन मानकों का पालन सुनिश्चित करता है। ये मानक प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं और समय सीमा का निर्धारण केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय करता है। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट गुजरात के गोधरा ट्रेन हादसे पर आधारित है और इसे लेकर विवाद और सराहना दोनों ही हो रही है। इस फिल्म को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टैक्स फ्री भी करने का ऐलान किया है, जिससे यह राज्य में बिना टैक्स के प्रदर्शित होगी। पेरिस से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान जो घने कोहरे के कारण जयपुर डाइवर्ट हुई, उसमें सवार 180 यात्री 5 घंटे तक विमान में फंसे रहे। इसके बाद एयर इंडिया ने यात्रियों को बस से दिल्ली भेजने का विकल्प दिया। एयर इंडिया ने इस प्रकरण के लिए खेद प्रकट किया। रिलायंस जियो ने 601 रुपये का डाटा वाउचर प्लान लॉन्च किया, जो प्रीपेड यूजर्स के लिए है और 365 दिनों के लिए अनलिमिटेड 5G डेटा प्रदान करता है। यह वाउचर माई जियो ऐप से एक्टिव किया जा सकता है और 12 महीने तक हर महीने 51 रुपये का डेटा मिलता है। महिंद्रा थार ने अक्टूबर 2024 तक भारतीय बाजार में 207,110 यूनिट्स की बिक्री की है। इससे SUV की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है और यह 3 पावर ट्रेन विकल्पों में उपलब्ध है। 2024 में थार ने 65,000 से अधिक यूनिट्स बेची हैं। 2024 में G20 देशों की अनुमानित GDP ग्रोथ रेट में भारत 7% के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद इंडोनेशिया 5%, चीन 4.8% और रूस 3.6% का स्थान ले रखा है। अर्जेंटीना की ग्रोथ -3.5% है। आज 19वीं G20 समिट का आखिरी दिन है। रियाद सीजन फेस्टिवल सऊदी अरब की विजन 2030 योजना का हिस्सा है और 2023 में शुरू हुआ था। यह फेस्टिवल पर्यटन और मनोरंजन को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, लेकिन गाजा और लेबनान संघर्षों के बीच इसकी आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर धार्मिक और सांस्कृतिक विवाद भी उठे हैं। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 2024 का समापन हो गया है, लेकिन शीतकालीन यात्रा जारी रहेगी। मंदिरों के कपाट बंद होने के बाद गद्दियां शीतकालीन स्थलों पर स्थापित की गई हैं। यहां श्रद्धालु पूजा और दर्शन कर सकते हैं। प्रदेश सरकार शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं विकसित कर रही है। उत्तराखंड के चारधाम धामों के कपाट बंद हो गए हैं और शीतकालीन यात्रा शुरू हो चुकी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट नवंबर में बंद हुए, लेकिन गद्दी स्थलों पर पूजा अर्चना की सुविधा उपलब्ध होगी। राज्य सरकार शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है। महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज में जल आपूर्ति की तैयारी जोरों पर है। CM योगी के निर्देशों पर UP जल निगम 15 नए ट्यूबवेल लगा रहा है और 70 पुराने ट्यूबवेलों की मरम्मत कर रहा है। 25 सेक्टरों में निर्बाध पानी सप्लाई के लिए 11 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज $36 ट्रिलियन को पार कर चुका है, जिससे हर नागरिक पर $1,00,000 का कर्ज है। सरकार को हर साल $1 ट्रिलियन ब्याज देना पड़ता है। ट्रंप की वापसी के बाद कर्ज कम करने के लिए भारी खर्च में कटौती की जरूरत है। दिल्ली NCR में प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को सलाह दी है कि वे वर्चुअल तरीके से काम करें। वकीलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अनुमति दी जाएगी। कोर्ट ने प्रदूषण के कारण हाइब्रिड मोड में सुनवाई का निर्णय लिया और कोई भी मामला रद्द नहीं होगा। मेधा ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI द्वारा 213.14 करोड़ रुपए के जुर्माने पर असहमत व्यक्त किया है और इसके खिलाफ अपील करने की योजना बनाई है। CCI ने व्हाट्सएप की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट को अनुचित व्यवसायिक प्रथाओं के रूप में पाया था। मेधा का कहना है कि अपडेट ने गोपनीयता में कोई बदलाव नहीं किया था और यह व्यवसायों के लिए लाभकारी था। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पंचायत चुनावों में 13,000 में से 3,000 निर्विरोध निर्वाचित पदाधिकारियों को लेकर सवाल उठाया। न्यायालय ने असंतुष्ट उम्मीदवारों को चुनाव याचिका दायर करने की अनुमति दी और राज्य निर्वाचन आयोग को 6 महीने में फैसला सुनाने का निर्देश दिया। याचिकाओं को उच्च न्यायालय में भी चुनौती दी जा सकती है। कौन बनेगा करोड़पति 16 में अभिषेक बच्चन ने अपने पिता अमिताभ बच्चन के बारे में इमोशनल बातें की। उन्होंने बताया कि कैसे बिग बी अपने परिवार के लिए चुपचाप सेक्रीफाइसेस करते हैं। अमिताभ बच्चन की उम्र 82 साल हो चुकी है, लेकिन वह अभी भी एक्टिव रहते हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बाबर आजम ने विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 41 रन बनाकर कोहली से आगे बढ़े, लेकिन रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ने से 39 रन पीछे रह गए हैं। रोहित के पास अभी भी 4,231 रन हैं। साउथ एक्ट्रेस कृति सुरेश अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। वो अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड एंटनी थैटील से 11 से 12 दिसंबर को गोवा में शादी करने जा रही हैं। एंटनी एक दुबई बेस्ड बिजनेसमैन है। कृति और एंटनी का रिलेशनशिप 15 साल पुराना है। कृति जल्द ही बॉलीवुड फिल्म बेबी जॉन में वरुण धवन के साथ नजर आएंगी। भारत ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिससे वह अमेरिका, चीन और रूस के साथ इस तकनीक में शामिल हो गया। पाकिस्तान के पास ऐसी मिसाइल नहीं है, क्योंकि उस पर अमेरिकी प्रतिबंध लगे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल की गति ध्वनि से 5 गुना अधिक होती है और यह कम ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन के लिए पकड़ में आना कठिन होता है। बिहार सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि सक्षमता परीक्षा के बाद ही तबादला होगा। पटना हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और इस पर स्टे आदेश जारी किया है। शेखर रवजियानी ने सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि 2 साल पहले वो अपनी आवाज खो बैठे थे, जिससे वो बेहद दुखी थे। कैलिफोर्निया के डॉक्टर एरिन वॉल्श की मदद से उन्होंने अपनी आवाज वापस पाई है। शेखर ने बताया कि वह अपनी फटी आवाज से नफरत करने लगे थे, लेकिन उपचार से सुधार हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द भारत यात्रा पर आएंगे, जैसा कि क्रेमलिन के प्रेस सचिव दमित्री पेस्कोव ने बताया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत शांति प्रयासों में अहम भूमिका निभा रहा है और इस मुद्दे पर पुतिन भारत, चीन और ब्राजील के संपर्क में हैं। दिल्ली और NCR में प्रदूषण के कारण जामिया मिलिया इस्लामिया ने 23 नवंबर तक ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया है। 25 नवंबर से कक्षाएं फिर से भौतिक मोड में शुरू होंगी। परीक्षा के और साक्षात्कार के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी इसी तरह का निर्णय लिया है। कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लैटेंट में एक कंटेस्टेंट ने दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन का मजाक उड़ाया, जिसे सोशल मीडिया पर विवाद हुआ। समय ने ट्रोल्स का मजाक उड़ाते हुए कहा कि गुस्सा ट्विटर पर नहीं बल्कि उनके यूट्यूब कमेंट्स में दिखाएं। दीपिका ने पहले भी डिप्रेशन पर खुलकर बात की है। बीते दिन पूछे गए हमारे द्वारा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अमरजीत यादव, शिव कुमार, कुश कुमार यादव, कौशलेंद्र कुमार, अनवर करीम खान, रामबाबू दास, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके पसंदीदा सिंगर कौन है। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।